पद्म विभूषण से सम्मानित ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु चुनाव लड़ने वाली हैं। यह खबर सुनकर आपको थोड़ा हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह खबर पक्की है। चलिए जानते हैं कि आखिर किस पद के लिए पीवी सिंधु चुनाव लड़ेंगी और चुनावी मैदान में उन्हें कौन टक्कर भी देगा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 17 दिसंबर से स्पेन में होने वाले वैश्विक चैंपियन के दौरान BWF एथलीट आयोग का चुनाव लड़ने वाली हैं। मौजूदा विश्व चैंपियन सिंधु इस समय बाली के इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट खेल रही हैं। वह 6 पदों के लिए नामित 9 खिलाड़ियों में से एक हैं। मौजूदा खिलाड़ियों में सिर्फ पीवी सिंधु दोबारा चुनाव के लिए खड़ी होंगी। इससे पहले 2017 में भी पीवी सिंधु को चुना गया था। वह इस चक्र के लिए 6 महिला प्रतिनिधियों में से एक हैं। सिंधु के साथ इंडोनेशिया की महिला युगल खिलाड़ी ग्रेसिया पोली भी होंगी, जो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, और इस दौरान इनसे चुनावी मैदान में टक्कर भी होगा। बता दें कि यह चुनाव एथलीट आयोग 2021 से 2025 का चुनाव 17 दिसंबर 2021 को टोटल एनर्जीज BWF विश्व चैंपियन के साथ स्पेन में होगा। सिंधु को मई में ही IOC के लिव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए भी एथलीट आयोग में चुना गया था, और एक बार फिर से सिंधु चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर अब तक पीवी सिंधु की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं। अगर पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतकर इतिहास रचा है। रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। हाल ही में इस खिलाड़ी ने भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सिंधु ने 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। यह कारनामा करने वाली वह देश की पहली सटलर भी थी। सिंधु को खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में सिंधु को जीत मिलती है या फिर हार। फिलहाल दिनवान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।